बल्लभगढ़ में आदर्श राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय की बहुमंजिला नई इमारत का हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज राजकीय कन्या विद्यालय का जो निरीक्षण किया और वहाँ पर कुछ खामियाँ भी मिली हैं, खुद मौके पर गए हैं, जाकर जायजा लिया है, आखिर क्या कुछ रहा है इन्हीं से हम जान लेते हैं। मंत्री जी, दौरा किया है आज, बिल्डिंग बनाई जा रही थी, क्या कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारे बल्लड़ का सबसे बड़ा स्कूल है और 3000 बेटियाँ हमारी उस स्कूल में हैं और 1000 बच्चे प्राइमरी में हैं, दोनों एक ही स्कूल हैं। और बहुत लंबे समय से शुरुआत उसकी की थी कि काम अभी कंप्लीट हो नहीं पा रहा, और मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इस काम को किया जाए, और काम बंद भी पड़ा है और मुझे जानकारी मिली 1 महीना से काम बंद है। 1 महीना से काम बंद बंद होने के बाद काम चल नहीं पा रहा। हम जल्दी 15 अगस्त तक बच्चों को शिफ्ट करना चाहते हैं। एक सर्व शिक्षा अभियान थे, 60 लाख की लागत से कमरे बनने थे अलग से, उन्हें 2 साल हो गए, आज तक लेंटर नहीं गिर पाया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक ठेकेदार ने अलग से काम चालू उसी स्कूल में, तो वो 6 कमरे वो भी आज तक पूरे नहीं हो पाए। और मैंने बिल्डिंग जो बनी है 11 करोड़ की लागत से, मैंने जल्दी से बना के दें और 15 अगस्त में बच्चों को शिफ्ट करने का काम करें, क्यों बेटियां इधर उधर दूसरे स्कूलों में हमने। बिल्कुल मंत्री जी, पढ़ाई की बात हरियाणा सरकार करती है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ कार्य किया जा रहा है, पिछले काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा है कार्य, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, क्या कोई आपकी तरफ से उनको हिदायत दी गई है? मेरा ये कहा है कि ये शिक्षा की तरफ से बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, ये 2 पार्ट है जी, एक मुख्यमंत्री घोषणा है, एक सर्व शिक्षा अभियान से अलग कमरे बनने, 6 कमरे अलग से जी, जी। जो सर्व शिक्षा से है, और सर्व शिक्षा वाले ना तो कमरे में लेंट गिरा है ना पूरे हुए हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार है, और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि बच्चे बेटे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। नहीं, मेरा कहा है जो सर्व शिक्षा अभियान से जिसका काम जिसने चालू करके रोक दिया 6 महीने से काम, भाई ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ऐसे ठेकेदार को काम ना दिया जाए जो सरकार के विकास की धज्जी उड़ा रहे हो, समय पर काम नहीं कर रहे हो, उनने अपनी बपौती समझ रखा है काम हम ही कर पाएंगे, ऐसे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ट्यूबवेल भी लगाए जाने हैं FMDA के द्वारा, कितना फ़ायदा उनसे पहुंचेगा, उसको लेकर भी आपने लाइन नंबर 2 और 3, 1, 2, 3 पानी से बल्लभगढ़ RNIT पानी जाता है। 1 नंबर लाइन पर जहाँ पानी 25 MLD होना चाहिए, आज मात्र उस लाइन में हमारा 14 MLD पानी आ रहा है, आधा। और जिससे पानी की समस्या, इस तरह की समस्या बरकरार है, जो हमने जो 3 रेनीवेल हैं उनमें समय लगेगा, उनकी शुरुआत हो चुकी है पानी चेकिंग है, पर जब तक वो रेनीवेल लगें तब तक नए 12 और लगाए जाएं जिससे पानी की कमी ना हो, और पानी पूरा क्या है जो जाएगा जैन कॉलोनी भीम बाग में जाएगा, ऊंचे गांव से 25 जाएगा, 25 से रणे 23 में जाएगा, कि पानी की और कैपेसिटी के साथ इसको बढ़ाया जाए, कि पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, कि मौसम भी गर्मी का है और रेनी वेल में हमें समय लगेगा 2-2.5 साल, और उससे पहले मेरी ए श्रीनिवास से बात हुई है कि जल्दी से जल्दी 12 इस पर लगाया जाए जब तक रेनी वेल शुरुआत ना हो, और पानी की लीकेज को बंद किया जाए, जहाँ लीकेज है पानी उसको बंद किया जाए और पानी को स्टेशन में पहुँचाया जाए। तो गर्मी के मौसम में पानी की किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री लगातार तमाम विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं और बल्लभगढ़ को लगातार नए आयाम देने के लिए मेहनत उनकी तरफ से की जा रही है ताकि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दैया।